नमस्कार, मेरा नाम है ठाकुर विक्रम सिंह। मैं कांग्रेस में NSUI में राष्ट्रीय प्रतिनिधि हूँ और मैंने अभी अभी हाल ही में जब 8 महीने पहले इलेक्शन था उसमें मैं चुन के आया हुआ हूँ राष्ट्रीय प्रतिनिधि बॉम्बे का। और जैसे कि अभी मेरे पास एक मुद्दा आया हुआ था, जैसे कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए हुए थे, जैसे हमारा काम क्या होता है, NSUI क्या है, राहुल गांधी जी ने जो NSUI बनाया हुआ है, राहुल गांधी जी ने इसलिए बनाया कि कोई भी कॉलेज में कोई भी स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो। जैसे कि हाल ही में मेरे पास अभी कुछ स्टूडेंट्स आए थे जो डिबार्ड कर दिए गए थे। पहले तो मुझे लगा ये छोटा सा मसला होगा, तो मैं खुद जाके इसमें जाके मैंने चेक किया था। जब ये था NM कॉलेज का इशू था, 250 बच्चों को डिबार्ड किया हुआ था और उनकी गलती कुछ नहीं थी। उन पर इतना पढ़ाई का प्रेशर दिया गया था कि बच्चे रात रात भर पढ़ के अगर कभी उनका अगर एक आध दो अटेंडेंस कम हो जाए तो उनको डिबार्ड करते करते 250 बच्चे लोगों को डिबार्ड कर दिया था। 250 स्टूडेंट्स लोगों को डिबार्ड करने के बाद वो स्टूडेंट्स मेरे पास आए तो मैं खुद मेरी टीम के साथ पहुँचा जो हमारी NSUI की टीम है। तो उसमें मैं जाके सबसे पहले हमने जाके प्रिंसिपल जी से बात की, जो हमारे सुनील मंत्री हैं, NM कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। उन्हें मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं। तो उनने मुझे कहा कि ठीक है विक्रम सिंह, हम इसमें कुछ वर्कआउट करेंगे। तो मैं वो डेलीगेशन लेके मैं पहुंचा यहाँ पे हमारे जो वाइस चांसलर और प्रो चांसलर हैं उनके पास मैंने डेलीगेशन दिया। और उनके डेलीगेशन देने के बाद मुझे ये चीज़ कहा गया है कि इन बच्चों के लिए हमने आइडल स्टार्ट की गई है, आइडल जो कि उनका साल बर्बाद नहीं होगा, वो अपना एग्ज़ाम देंगे। और हमको ये भी कहा गया है कि जितने भी बच्चे डिबार्ड किए गए हैं उनको आइडल में बैठाएंगे और प्लस वो सभी बच्चों को फिर से NM में अगले साल एडमिशन उनको मिला जाएगा। ये किसने कहा? ये मुझे प्रिंसिपल जी ने कहा है, सुनील मंत्री जी ने, वाइस चांसलर जी ने भी कहा है और प्रो वाइस चांसलर जी ने भी कहा है। हमने तीनों को डेलीगेशन दिया है, हमने पूरा नोट लिख के लिया है, उनसे तीनों जन से हमने बात करके साइन कराने के बाद एक एक कॉपी उनकी माता पिताओं को दिया गया है कि आप अभी आइडल पे बैठ जाइए, आपके बच्चे का साल ख़राब ना हो। वो CA कर रहे हैं, कोई नॉर्मल बच्चे नहीं है। NM कॉलेज में कोई भी बच्चा 92-93% के नीचे नहीं आता है तो उनका साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसीलिए आइडल का डेट भी हमने 2 दिन बढ़ाया गया है। आइडल का डेट था कुछ 28 लास्ट, हमने 2 दिन बढ़ाया उसके लिए कि हमारे कोई भी बच्चे छूटने नहीं चाहिए NM कॉलेज के। और अभी सभी बच्चे लोग ने अपना ये कर लिया आइडल में और सभी नेक्स्ट ईयर फिर से NM कॉलेज में रेगुलर बैच पे बैठ पाएंगे। ये सारे कितने बच्चे थे जिनको यहाँ से आउट किया गया, जिस तरीके से आपने बताया कितने बच्चे थे? टोटल इसमें 247 स्टूडेंट्स। जी, हमने वही चीज़ का डेलीगेशन दिया पहले हमने उसके डेलीगेशन लिया, हमने उनसे कंफर्मेशन लेटर भी लिया गया है कि अगर आप ना करो तो उसमें हम क्या करेंगे। फिर उसमें हमारे NSUI की काफ़ी चीज़ें हैं, वो सब भी करते हैं। बट उनने हमें साफ साफ कहा है कि विक्रम, हमारा जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप उनको खाली आइडल बैठा दीजिए, जितने बच्चे पास होंगे हम उनको सब एडमिशन लेंगे। और हमको उन्हें कॉन्फर्मेशन लेटर मेरे लेटर हेड पे साइन करके दिया गया है। तो ये जो आइडल की जो कोई एग्ज़ाम होती है क्या? ये आइडल एक ऐसी चीज़ है, मतलब आप घर पे बैठोगे, पढ़ाई आप करोगे, आपको एग्ज़ाम आइडल की अलग से एग्ज़ाम होती है, जो मतलब जैसे बहुत से बच्चों को मतलब अटेंडेंस के कारण एग्ज़ाम नहीं दिया जाता है, जिसे रेगुलर बैच में नहीं बैठाया जाता है, तो वो सब बच्चे आइडल में अपना नाम लिखा के एग्ज़ाम घर पे से दे के नेक्स्ट ईयर फिर से अपने NM कॉलेज में एडमिशन उन्हें मिल जाएगा। तो ये जो 247 जो बच्चे बता रहे हैं, तो सारे बच्चे क्या खुश हैं इस निर्णय से? जी बिल्कुल, क्योंकि उनके पास पहले कोई रास्ता नहीं था, उनके पास ये था, उनके पास एक आइडल ऑप्शन ज़रूर था, बट आधे बच्चों का डेट निकल चुका था, आधे बच्चों को आइडल के बारे में कुछ पता नहीं था और आधे बच्चे सोच रहे थे हम लोग करें तो क्या करें, कहाँ पर जाएँ, कहाँ पर बैठें, कहाँ पर बात करें। तो इससे क्या हो गया, अब ये कहा कि अब ये भी बात कंफर्मेशन हो गई है कि उनको अब आइडल के बैठने के बाद उनको NM में अब एडमिशन मिल जाएगा। NSUI के पास आए, वो हमारे पास आए, हमने उनको बताया, हम गए प्रिंसिपल से मिले, वाइस चांसलर से मिले। तो इससे सब बच्चे इसलिए खुश हैं कि उनको आइडल के बारे में भी जानकारी मिली और प्लस उनको नेक्स्ट ईयर अपने कॉलेज में फिर से एडमिशन मिल जाएगा। तो
और आपके स्टूडेंट्स को कुछ बताना चाहेंगे, उन्हें कोई समस्या हो तो कुछ जी, मैं ये बताना चाहूँगा, अगर कोई भी स्टूडेंट्स को कभी भी कोई भी चीज़ की तकलीफ़ हो किसी भी कॉलेज में, कोई भी चीज़ को लेके, चाहे वो रैगिंग हो, चाहे वो एडमिशन का मैटर हो, क्योंकि आजकल बहुत सी जगह पे बच्चे पढ़ने के लिए आ तो जाते हैं आगे, पर उनका एडमिशन नहीं होता, उनको बहुत सारे मसले होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कोई कॉलेज में बहुत सी चीज़ें उनको फैसिलिटी मिलती नहीं जो कि कॉलेज के फैसिलिटी कॉलेज को देनी चाहिए, बट उनको स्टूडेंट्स को देते नहीं हैं। कॉलेज में अगर कोई भी स्टूडेंट्स को कोई भी चीज़ का अगर प्रॉब्लम होता है, वो मेरे पास आए, मेरा ऑफिस है बॉम्बे में, MRCC ऑफिस में, मैं राष्ट्रीय प्रतिनिधि हूँ, आप कांग्रेस ऑफिस में आके आप मेरा नाम पूछ सकते हैं, आप खाली कोई भी इशू मेरे पास लाए, उसे हल करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे श्री प्रिंसिपल जी जो हैं सुनील मंत्री जी, और वाइस चांसलर जी और प्रो वाइस चांसलर जी, जिनने मुझे इतना, मेरे लिए इतना कुछ किया, मतलब मुझे जो आशा की किरण जो नहीं दिख रही थी जो जगाई है उनने, और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा उनका, और NM कॉलेज के पूरे स्टाफ को और उनके स्टूडेंट को भी मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा।